एमएस एक्सेस डेटाबेस में सबसे मेनली तीन चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है टेबल, टेबल जिस पे आपका कोई भी डेटा स्टोर होता है, राइट। इसको हम लोग एक्सेल वर्कशीट से भी कंपेयर कर सकते हैं। और इसमें कितना डेटा हो सकता है इसकी लिमिटेशन नहीं दी गई है। ऐसे लिमिटेशन चेक करने के लिए आप F1 प्रेस करके यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट में आप सर्च कर सकते हैं लिमिट, लिमिट्स। तो यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, एक्सेस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसी में आपको यहाँ दिख रहा है टोटल साइज ऑफ द एक्सेस डेटाबेस 2 GB, समझे। टोटल टोटल नंबर ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस 32,000 होगा। तो यहाँ पे मॉड्यूल 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे एक्सेस आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे बता दूं आपको कि इसमें 2 GB का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें भी आप जो है माने कि बहुत ज़्यादा डेटा भेज सकते, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद ने खुद बोला है कि दिस इज द SME, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज, राइट सर। अब इसके अंदर में बेसिकली जो चीज़ें हैं, एलिमेंट है, वो जान लीजिए। सबसे पहला एलिमेंट आपका आता है टेबल, टेबल जिसमें डेटा स्टोर होती है। दूसरा आता है फॉर्म, फॉर्म इंटरफेस होता है जिसके जरिए हम डेटा को इंपोर्ट करवाते हैं या डेटा यहाँ से हम लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पूजा लिख दिया, तो पूजा का डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, राइट सर। तो फॉर्म जिससे हम डेटा इनपुट वगैरह लेते हैं और यहाँ पे आउटपुट वगैरह शो करते हैं, इंटरफेस के लिए फॉर्म मान लीजिए। फॉर्म मोस्टली फॉर्म कनेक्टेड टू टेबल, टेबल से ही वो कनेक्टेड होता है जहाँ से वो डेटा इनपुट आउटपुट करता है। तीसरा जो आता है जैसे क्यूरी, क्यूरी क्या होती है कि डेटा, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा है आपका, जैसे मान लीजिए कि आपके पास करीब 5-7 लाख का डेटा है, तो 5-7 लाख का डेटा मान लीजिए आपको डाउनलोड करना है। तो एक बार में 5-7 लाख का डेटा डाउनलोड तो नहीं कर सकते ना सर, मतलब 15 लाख का है, 20 लाख का है। तो डाउनलोड करेंगे तो एमएस नोट पैड में करेंगे या फिर एक्सेल में, तो आपको 10 लाख से ऊपर का आएगा ही नहीं। और मोस्टली हम लोग डेटा जब लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास पैन इंडिया का डेटा है, अगर दिल्ली का कोई बंदा बोलेगा मुझे मेरा डेटा दे दो, तो आप उसको दिल्ली का डेटा दोगे ना। एक तरह से फिल्टर्स एंड कैलकुलेशन काम करता है कि वो फिल्टर लगा के दिल्ली का डेटा निकालेगा और कुछ एडिशनल कैलकुलेशन करेगा जो कि टेबल में नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, GST कैलकुलेट हो रहा है, फिर GST जोड़ के टोटल अमाउंट निकल रही है, समझ रहे। ऐसे डेटा को फिल्ट्रेशन और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, और हम इसको इस क्यूरी के जरिए हम डेटा कहीं भी एक्सपोर्ट करते हैं या किसी वर्ड में, एक्सेल में और बाकी जो जाके इसको इम्पोर्ट करते हैं। चौथा एलिमेंट जो आता है वो आता है आपका रिपोर्ट्स, क्योंकि अब डेटा को निकालना है तो एक रिपोर्ट फॉर्मेट में निकालना होगा ना सर। तो अगर आपने रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया तो देखिए आपको सामने दिख रहा है, इस पर टाइटल वगैरह लगा के डेट और एक तरह से रिपोर्ट वे में आप अपना रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो आपका जो रिपोर्ट है कनेक्टेड टू क्यूरी एंड कनेक्टेड टू टेबल होता है, जहाँ पे आप उसके जैसे स्टेटमेंट वगैरह कैसे निकलती है आपकी सर, हर पेज में नंबर ऑफ पेजेस दिया रहता है क्या सर। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो PDF में, वर्ड में, या फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हो एक स्टेटमेंट के तौर पे, जिसमें एडिशनल जैसे कि टाइटल होगी आपका, लोगो होगा, डेट होगा, कब निकला तब होगा, पेज नंबर्स होंगे, टोटल्स होंगे, ऐसे चीज़ें एलिमेंट ऑटोमेटिकली उसके साथ ऐड हो जाता है। तो ये चार जो हुआ मेन हुआ। अब इसमें लैंग्वेज की बात कर ले तो इसमें आपको सिखाई जाएगी क्यूरी लैंग्वेज, SQL क्यूरी लैंग्वेज, दिख रहा है जो क्यूरी लैंग्वेज होती है, ठीक है सर। क्यूरी लैंग्वेज SQL किस लिए सिखाई जाती है, ताकि आप जो क्यूरी कनेक्ट करें तो आप अपने हिसाब से, यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है ना, दिख रहा होगा अमाउंट प्लस GST एज ए टोटल दिख रहा है, 18% मैंने कैलकुलेट किया है।
ये सब चीजें, क्योंकि नॉर्मल जो डिजाइन क्यूरिंग होती है उसमें हमें कुछ फ्रीडम नहीं मिलता है, लिमिटेड होता है। तो अपने हिसाब से हम सिक्वल क्यूरी को यूज करके हम अपनी क्यूरी तैयार कर लेते हैं ताकि उस हिसाब से चले। दूसरा जो आता है इसके अंदर वो आता है इनबिल्ड माइक्रो और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग, दो पार्ट इसमें आती है। वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग जैसे कि आपने यहाँ देखा कि मैंने अभी इस पे डीडी पे क्लिक, इस पे क्लिक, डीडी पे क्लिक किया, ये माइक्रो का काम है। ये जो हमने क्लिक किया तो एक रिपोर्ट बन के यहाँ बाहर आ गया, एक अलग जगह पे आ गया। ये नॉर्मल रिकॉर्ड माइक्रो का काम है जिसको क्यूरी के जरिए हमने लिंक किया हुआ है, राइट। लेकिन ये जो दिख रहा है आपको कि देव से लेके ओके किया और यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिख गया, ये आपका वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग का काम है। समझ गए? तो ये हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर है। तो हमारा कोर्स दो तरह के है, एडवांस एक्सेल, सॉरी एमएस एक्सेल डेटाबेस विद सिक्वल क्यूरी एंड एमएस एक्सेल डेटाबेस सिक्वल एंड वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग।